वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रोहित की खुसूसी ट्रांसमिशन बड़ी ईद की, यानी कि हमारी ईद में आप भी शामिल हैं। आपके साथ हम मना रहे हैं आज का दिन, ईद का पहला दिन है, और मेरे साथ जमशेद साहब भी मौजूद हैं। गपशप भी लग रही है, बातें भी हो रही हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप भी, वरना मैं तो बोलती रहूँगी। मैं तो फिर जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है रोहित के नाज़रीन ने, उन्हें मेरी तरफ से, महाजमी आबी की तरफ से और रोहित टी वी की तरफ से एक बार फिर ईद मुबारक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हैं और ये हमारी ईद है और हमारी खुशियां हैं तो हम सब मना रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने जब सुबह आई क्या खा के आई थी? मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं कुछ खा के नहीं आई थी। मैं ये सोच के आई थी कि शायद आप मुझे कुछ खिलाएंगे। ये मिठाई पड़ी हुई है, ये मैं अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे प्रॉपर लाइक कोई बारबेक्यू प्लान करें, आप उस पर मुझे इन्वाइट करें, तो यकीन करें मैं आपको इन्वाइट कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्टूडियोज में बिल्कुल इनवाइट नहीं कर सकता और मैं और कहीं भी इनवाइट नहीं कर सकता। ये सही बात है जो ऐसे खाम खामे आप कह रही हैं कि अभी आपने अभी आपने मुसलसल शोज करने हैं, मतलब मैं इसे नो समझूं? बिल्कुल, आप फिलहाल इनकार ही समझें। ईद वाले दिन भी आप इनकार करवा, अच्छा ईदी तो दे सकते हैं, या इस ईद पे ईदी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता? हाँ, लेकिन वो छोटी ईद पे होता है, बड़ी ईद पे नहीं होता। बड़ी ईद पे कुछ होता है? अच्छा, हम आपस में बहुत सी चीजें डिसाइड कर लेंगे। हाँ जी, लेकिन हमें ये भी बताना है, हमें बताना है कि हमें स्टूडियोज में कौन से खूबसूरत मेहमानों ने ज्वाइन किया है। बिल्कुल, सबसे खूबसूरत जो मेहमान हैं, मुझे जो ऑनेस्टली पर्सनली मुझे जो बहुत पसंद है, बहुत अच्छी सिंगर और सराइकी सिंगर हैं, इनका तारुफ हम कराएंगे। सोबिया मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इनकी आवाज़, इनका अंदाज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वेलकम टू द शो, खुश आमदीद कहेंगे आपको, एंड थैंक यू आपने टाइम निकाला आज के दिन, पहले दिन। जी हाँ बिल्कुल, और मेरे तरफ तो आपको भी सारे तमाम सुनने वाले को बहुत 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 ईद मुबारक हो। मुबारक, क्योंकि घर हूँ खैर दे बकरे कुर्बानी थी पे, मैं कह तू सब पकाओ, चावल पकें दो, जड़ी शे मर्जी पकें दो, मैं आंदी पे बाद कहीं, लेकिन मैं कहला था जमशेद भाई साहब को खवे से ना है ना, इन्हें दे तरफ दावत है। यकीन करो मैं तो स्टूडियो दे गोश्त बिल्कुल नहीं खवा सकता ना, मैं तो आपको कोई आंखें बहुत तमाम कर सकता है। एक केक पे ठीक है, मिठाई पई है, इन्हें ये चीज खा सकते हो जरूर खा सकते, लेकिन गाली थी जरा सा। और जो मेरा खूबसूरत मेरे मेहमान हैं, हमारे मेहमान हैं, और वो भी उतने ही खूबसूरत हैं, वो भी इतने ही स्मार्ट हैं मेंटली एंड फिजिकली, जनाब एमपीए हमारे जालपुर पीरवाला से, हमारे ज़िला मुल्तान से, हर दिल अजीज शख्सियत कासिम खान लंगा साहब। अस्सलाम वालेकुम सही, ईद मुबारक था कि बहुत क्या हाल है तोरा? ठीक है, लंग दी पे तोरा ईद सही बस फर्स्ट क्लास सही ठीक ठाक। ते कुर्बानी कर रहे हो? हां कर रहे हैं सही। की को कुर्बान कीते वे? वैसे तो बहुत सारे ये क्या कुर्बान कीते वे? वड्डा जानवर ही होंदे ते नाल बकरे भी होंदे, क्योंकि घर दे जित्ती बंदे हैं सारे दा हिस्सा होंदे ना। माशाल्लाह, और उनके साथ उनके बड़े करीबी दोस्त हैं। करीबी दोस्त? हाँ, और इनकी बड़ी यारी आजकल पूरे पंजाब असेंबली में, पूरे पंजाब असेंबली में, पूरे मुल्तान में, पूरे ज़िले में मशहूर है, और हमारे बहुत ही खूबसूरत, हमारे बहुत ही मीठे, हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ सलीम लाबर साहब एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्तान से। तो अस्सलाम वालेकुम सही। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक, खैर मुबारक, तो आपको भी मुबारक हो। सही, मैं कासिम खान साहब को आता पाऊँ कि उसने क्या कुर्बान किए थे, तो वो तो इवें आखे नहीं गोल मोल करके, तुसा दसो तुसा क्या क्या कुर्बान करके आए बैठे? कुर्बानी दे उते ईद उते होंदे बकरे कुर्बान कीते, ते एक जेड़ा है बड़ा जानवर कुर्बान कीते। सही है, जबरदस्त है। कासिम खान साहब दा ना तुसा आदे पे आवे, ता कासिम खान साहब ने तो वाज़े आके उन आके मैं बहुत कुछ कुर्बान करके आया बेटा। हां ये पूछना क्या ऐसा क्या क्या कुर्बान कीते वे? मैं हुन कोई लाखबर साहब को तो कुर्बान नहीं कीता, कोई ढांडा ही कुर्बान कीता उसी, कोई गामा जे बकरा ही होई उसी लाखबर साहब तो सारे भरा है। लेकिन आपने शायद कहीं इनकी सियासी कुर्बानी तो नहीं कर दी? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, नहीं नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि मैं आजाद इलेक्ट थियो हां, ते ए तो हन अपना पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कनु, ते लिहाजा असा इन्हां दी पैरवी करे ने, जिड्डे सब घन वेंदे ना सा नाल होने। ये बड़ी अच्छी बात है। हां सर, वैसे ही आप जहां वाकई आपके कहने पे चलते हैं, मेरा तो नहीं ख्याल, ही तो आपको चलाते होंगे सर। बिल्कुल नंगा साहब जेड़ा है असन कठे ही होने जो भी एक गाल सारे आपस बामी मुशावरत नाल थी। लेकिन सर एक बात बामी मुशावरत से नहीं होती, आप अभी तक इनको पीटीआई में नहीं ले जा सके। ये पीटीआई के, ये मुझे लगता है आपको आजाद बना लेंगे। ये पीटीआई के मुआविन है, पीटीआई को वोट कर रहे हैं, इससे और ये पीटीआई में क्या है? बिल्कुल ठीक है, तो आप कहते हैं कि इनको आपने काबू कर रखा है?
नहीं ये अपनी मर्जी के हमारे साथ इन्होंने मुझे काबू किया हुआ है और मैं इनकी वजह से डिफरेंट बयान आ गया है ना काबू किया हुआ इन्होंने किस तरह आपको काबू इनकी आंखों में कशिश है बहुत ज्यादा किया हुआ या आप काबू हुए आप इन आंखों की कशिश का पहले पता लगा आंखों की कशिश का कब पता लगा आपको नहीं पता लगा अभी तक नहीं सर देख तो आप मैं तो देखे तो पता लगा तो मेरे बड़े भाई हैं और मैं तो इनका ताबेदार हूँ और इनकी कशिश मुझे खींच के ले जाती है कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ जाए मैं साथ जाता हूँ जहाँ जाए साथ जाते हैं साथ जाते हैं सर कहाँ कहाँ साथ ले जाते हैं आपने जहाँ मैं जाता हूँ ये मेरे साथ होते हैं जहाँ ये जाते हैं मैं इनके साथ लेकिन आज इतनी बड़ी एग्जाम्पल है ये मौजूद है तो ये भी मौजूद है ये मौजूद है तो ये भी मौजूद है लेकिन दरमियान में सोविया मलिक है जी दीवार बन के बीच में वो कह रही है कि वो दीवार बन के बीच में बैठ गए नहीं तो इतना तो इकट्ठा इकट्ठा ही होना चाहिए था नहीं नहीं सारे वास्ते काबिल एहतराम ही वे तुसा मेहरबानी है तारी तुम्हारे गाने सुन दे रहा है माशाल्लाह बड़ा मेहरबानी है ये खुशी है कि आपस च एक समझो इत्तेफाक होना आपस च इकट्ठा मिलके समझो एक बे नाल इतनी प्यार मोहब्बत बड़ी गाल है जी अखलाक ना बहुत मायने रखती है लेकिन इसमें खूबसूरत बात क्या है बहुत सोना ये दोनों ही खूबसूरत हैं बिल्कुल और ज्यादा खूबसूरत बात मैं बताऊं ज्यादा खूबसूरत बात ज्यादा खूबसूरत बात ये है कि रोही के प्लेटफॉर्म के थ्रू दोनों साथ हैं अभी इस वक्त ईद के दिन पहले दिन ईद के पहले दिन ईद के पहले दिन और अगली बात भी बताते हैं जब हमने कासिम खान साहब से कहा कि आपने कब पहुंचा तो उन्होंने कहा भाई मैं सलीम लापर साहब को भी कह रहा हूँ हम दोनों इकट्ठे आएंगे फिक्र ना करें और जब हमारी सलीम लापर साहब से बात हुई कि जी क्या प्लान है कासिम खान साहब से हमारा रब्ता नहीं हो रहा कब तक पहुंच रहे हैं तो इन्होंने कहा पहचान ना वो मेरे पास आ रहे हैं हमने इकट्ठे आना है तो ये जो इतने मेहमानों की कोऑर्डिनेशन आइडियल कोऑर्डिनेशन एक स्टूडियो प्रोग्राम्स में मेहमानों की मैंने पहली दफ़ा देखी और वो भी एक हाई पॉलिटिकल प्रोफाइल दोनों एमपीएस हैं सिटिंग एमपी हैं अपने हलके को छोड़ के लोगों को जो उनको ईद मिलने के लिए आए उनको छोड़ के हमारे साथ आपसे वादा जो किया हुआ था फिर पहुंच बहुत शुक्रिया सर आपने जो वादा करे बंदा उस पे बंदा आप कायम रहे ये आपकी भी मोहब्बत है सारे हर कोई खावन पीवन ते लग वे सी ते गप शप लगी रहंदी भी क्या ईद दे दी करे बंदा ठीक बैठा दिन ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਖਣ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਕੇ ਬਚਪਨ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਬ ਤੱਕ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਮੇਂ ਅਬ ਆਪ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਆਪ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣੇ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪਨੇ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰੋਂ ਕੋ ਸ਼ਕਸ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ लेकिन जो आपकी ईद की रूटीन है खास में बकर ईद की रूटीन है ये तो लगता है कि वो बदली या वो वैसे ही ना वैसे की वैसे ही है बिल्कुल अच्छा बिल्कुल वैसे की वैसे, जो शुरू से खानदानी तौर पे जब बच्चे थे तो बड़े खुश हो के तो हर वक्त वो चारा खिलाना आगे पीछे जानवरों के जाना देखते रहना अब वो जरा सा चेंज हो गया है अब कुर्बानी के वक्त जाते हैं और कुर्बानी हो गई अब खरीदता कौन है जानवर जी अब जानवर खरीदता कौन है उसका इंतखाब कौन करता है हम अपना खुद पालते हैं जमींदारों में आप जानते हैं कि अपनी गायें भैंसें ये तो होते हैं जानवर हम कंटिन्यू करते हैं हम आते हैं बाकी गेस्ट पे भी और जानते हैं कि इनका क्या कहना है ईद के दिन के हवाले से कुर्बानी के हवाले से और सिर्फ कुर्बानी के हवाले से नहीं बल्कि जानवर खरीदने के बारे में भी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा हमारे साथ रहिए वेल
वेलकम बैक जी, महजुबीन आबिद आपके साथ हैं, और सिर्फ महजुबीन ही नहीं, जमशेद रिजवानी साहब भी मौजूद हैं, मेहमान भी मौजूद हैं हमारे साथ आज ईद के पहले दिन पे, और हम ईद मना रहे हैं, हमारी ईद है ये। और ईद में सिर्फ मैं कहती हूँ ना कि लड़कियों की तैयारी तो होती ही होती है, ठीक है ना, उसमें रंग तो होते ही हैं, लेकिन जब तक मौसीकी का एलिमेंट ना ऐड किया जाए तो नहीं होता मुकम्मल। मौसीकी, फिर फोक म्यूजिक, हाँ, उसका तड़का ना हो, और फिर सराय की साड़ी, मिठी जबान। तो जाहिर है, और फिर हमारे साथ स्टूडियोज में सोबिया मलिक मौजूद हैं, तो उनसे कैसे आप सराय की गीत ना सुने। मैं तो अभी परेशान था कि आपने अभी तक उनको किसी सॉन्ग के लिए कहा क्यों नहीं। देखा, मैंने कह दिया, आपने सोचा और मैंने कर दिया वो। अच्छा, कह दिया। कितनी मतलब बॉन्डिंग है, तो क्या सुनाएंगी आप? मैं ताको एक अपना नवा गीत सुने सा, मेरा ढोल सराय किस्तान दा, मैं नाज करेंगी। अच्छा, वाज ईद का मौका भी है, समझो एक ईद का गीत थी गया तारी साहब की नजर। जे पिनने शाहक नू पिन एक बारी पिन वल वंड बैठा, ये मौल अली दी शान च आखी। जे जे पिनने नजफ ते शाह तू पिन, जे पिनने नजफ ते शाह तू पिन, एक बारी पिन वल वंड बैठा। वाह जी वाह, शायर। अच्छा, हम बात कर रहे थे कुर्बानी के हवाले से भी, लेकिन उससे ज्यादा खरीदारी के हवाले से बात हमारी बीच में रह गई। खरीदारी तो उन्होंने कह दिया कि बता दिया कि जी मैं तो खरीदने का हमारे पास तो वक्त ही नहीं होता, अब तो हमारे यहाँ वो हम पालते ही रहते हैं, उसमें से एक दिल करता है जिसको कुर्बान कर दिया कर दिया। मुश्किल होता है ऐसे, लापरवाही आप भी ऐसे करते हैं। मुश्किल नहीं है, नहीं है मुश्किल, मकसद भी तो यही होता है ना कि आप पालें, फिर जब इतनी अटैचमेंट बिल्डअप हो जाती है और उसके बाद फिर कुर्बान कर दें, तो कैसी फीलिंग्स होती होंगी? वैसे मैंने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं है। मतलब है कि खुद तो साथ बैठ के नहीं पालते उनको, मतलब फिर भी घर में डेरे में पलता रहता है, जहाँ बाकी जानवर होते हैं वहीं पे पलते रहते हैं, फिर ये महसूस कर दिया जाता है कि कुर्बानी के लिए दो चार पाल लिए ना उसमें से, जो फिर अच्छा लगा उस दिन बड़ा जानवर। मैं इसका जवाब आपको देता हूँ कि आप खुद पालते हैं, और फिर जब हमें मुसलमान होने के नाते जब अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म हुआ, तो उस पर हमें सोचने की क्या उसमें ज़रूरत है। हम तो जो है अल्लाह ताला की जो है खुशनुदगी की खातिर हम उबे कर रहे होते हैं, हम जो है ना कर रहे होते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की आप मिसाल देता हूँ, अगर उस वक्त उन्होंने जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी भी की थी, ये तो अल्लाह ताला ने आगे दुम्बा रख दिया और वो ज़िबा हो गया, तो इसमें कोई सोच नहीं होती। और कुर्बानी का जानवर जो है ख़ास तौर पर पाला जाता है, और उसको मकसद उसका ये है कि अल्लाह ताला इस कुर्बानी को कबूल करे। सिर्फ कुर्बानी करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन उनमें से ये होता है कि आप जिसकी कुर्बानी होती है नाम की, वो हाथ फेरता है या खुद अगर मौजूद होता है तो आप हाथ फेरते हैं, खुद कभी कभी आप वो उसका छुरी भी चला देते हैं? नहीं, छुरी नहीं चलाई कभी, हाथ नहीं चलाई आपने? नहीं, छुरी नहीं चलाई, लेकिन वहाँ खड़े होके वो जो कलाम पढ़ा जाता है फेर देते हैं, फिर बोल से करते हैं जो कलाम पढ़ा जाता है। आपने भी कभी खुद ज़िबा नहीं किया? नहीं, खुद ज़िबा नहीं आज तक, नहीं आज तक। चले, हम जानते हैं, मैं से भी जानेंगे, सोबिया मलिक साहिब से भी जानेंगे कि इनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसे पकाने की हद तक होता है इनका। क्यों मैं पकावण दी हाथ तलाक नहीं, मैं सिर्फ खावण दी हाथ तलाक नहीं। फिर मैं भी आपको अपने कुरान का भी बताऊंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारी गपशप बातें सब कुछ कंटिन्यू रहेगा, आपने बस हमारे साथ रहना है, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, महजुबीन आबिद के साथ जमशेद रिजवानी एक दफ़ा फिर आपको ब्रेक के बाद खुशी आमदीद कहता है। और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मनाने की हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और मना रहे हैं, और खूबसूरत मेहमानों के साथ हम गाने भी सुन रहे हैं, और उनके साथ हल्की फुल्की चिट चैट भी चल रही है, और जो मीठी मीठी छेड़खानी कर रहे हैं ना कासिम लंगा साहब लाबर साहब के साथ, आपने उसका अंदाज़ा लगाया? देखें, आपको अंदाज़ा लगा रही हूँ, बस आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, वो तो इससे गुजर जाते हैं।
मैंने कोई छेड़छाड़ की है उनके साथ? मेरे तो बड़े भाई हैं, बस इकट्ठे ही हर वक्त होते हैं, गपशप। वैसे आप इकट्ठे क्यों होते हैं अगर आप बार बार आपने प्रोग्राम में नाज़रीन के सामने कहा है बस हमारे वक्त इकट्ठे होते हैं, हमारे वक्त इकट्ठे होते हैं, हम हर वक्त इकट्ठे होते हैं, बचपन से हम इकट्ठे हैं। सर ऐसे ही है, बचपन से इकट्ठे हैं, कॉलेज से, लड़पन से, बिल्कुल फैमिली। उस वक्त भी खान साहब ऐसे ही शरारती होते थे जी, और आप ऐसे ही सादा और मासूम होते थे। खान साहब तो अब भी शरारती नहीं है। अच्छा, हम प्यार करने वाले हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर खान साहब को शरारती अगर कहते हैं तो फिर हमारे एक और साथी हैं, अगर शरारती देखनी है तो फिर हम उनको बुलाएंगे, उसका नाम भी ले दें। किसका? अगर शरारती देखनी है तो फिर मियां तारिक अब्दुल्ला को बुला लें आप। हाँ हाँ, वो भी, हाँ वो मिस कर रहे हैं, हम आप उनको भी बुला लेंगे आपके साथ। आप मुझे हुक्म किया करें, मैं सबको बुला के दूंगा। शरारती होंगे उनको? कौन सी गुलूकारा पसंद थी? लता मंगेशकर। अच्छा, बहुत पसंद। उनकी आवाज पसंद थी आपको? अच्छा, खूबसूरती में खूब अदाकारा कौन सी पसंद थी? अक्सर पसंद है मुझे जो आपके जहन में रह गया हो। कोई नहीं अभी तो। मैं अपना नहीं बता सकता, इनका बताता हूँ। इनकी पसंद क्या करा? मैं ये बता देता हूँ कि इनकी पसंद एक नहीं है, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ा है। अच्छा, जहाँ भी दास्तान छोड़ा है, छोड़ा साथ नहीं लेके आए आप मुझे बदनाम करने के चक्कर में? नहीं नहीं, मैंने कहा आपका ये जो है ना बड़ा अच्छा तरीका, सच्ची दोस्ती है ये। वैसे आपके ख्याल में इनकी पसंदीदा अदाकारा कौन सी है? मेरे इल्म में नहीं है। हैं बहुत सी होंगी ना आखिर इसमें। आप आपने फिल्में कटी देखी हैं? ना फिल्में नहीं देखी, कटी नहीं देखी। आपने आज तक फिल्म नहीं देखी? बहुत पुराने जमाने देखते थे लेकिन ये नहीं थे। अच्छा, ये नहीं थे? ये क्यों नहीं होता था? ये क्यों नहीं होता था? ये अलहदा उधर इनके भाई साहब होते थे इकट्ठे इनके, और वो दो तीन और ये फिर वापस चले जाते थे शायद। अच्छा, कभी आपने सिनेमा में पिक्चर नहीं देखी? देखी है, कई दफा देखी है। और घर में इतनी सख्ती होती थी कि सुबह मैटनी शो के लिए निकल जाते थे घर से, और वहाँ जब वो ब्रेक होती थी ना, भाग के घर जाते थे शक्ल दिखा के कि हम इधर ही फिर रहे हैं, क्योंकि वो घर वाले सख्ती करते थे कि फिल्मों पे ना जाया करो। सही सही, तो इसलिए दोस्ती फिर भी कायम रही। हाँ, दोस्ती कायम रखी गई। तो ये दूर रहते थे हमसे, वो लाबर इनका गाँव, बस्ती लाबर। कॉलेज में इकट्ठे हो जाते थे हम, फिर वहाँ गपशप करके। अच्छा, आप असेंबली में जब आप इकट्ठे होते हैं फिर क्या करते रहते हैं आप? लेजिस्लेशन। किसके बारे में और कौन सी? किस बारे में लेजिस्लेशन करते हैं? हम वहाँ जाते ये लेजिस्लेशन के लिए हैं, तो हम वहाँ बड़े सीरियसली बैठ के जो है ना लेजिस्लेशन करते हैं। मैंने आप दोनों की इकट्ठे और बैठने की बात की है। आप दोनों जब इकट्ठे होते हैं तब क्या करते हैं? एक दूसरे को इशारे करते रहते हैं। मैं भी यही बात करने वाली थी, ऑनेस्टली मैं भी यही बात करने वाली थी। लेकिन उन्होंने बड़ी मासूमाना अंदाज में लेकिन जवाब बिल्कुल सही दिया था। मैंने कहा जी आप दोनों क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा जी हम लेजिस्लेशन करते रहते हैं। मैं वही पूछा था कि किस बारे में करते रहते हैं? कानून बनाते हैं हम। अच्छा, हाँ तो अभी इंशाल्लाह कोई एक दो बिल इन्होंने पेश करने हैं, कोई हम करेंगे बिल। कितने के होंगे वो बिल? वो बिल कितने के होंगे? महंगे तो नहीं पड़ जाएंगे? वो दूसरे पैसों वाला बिल नहीं होगा। अच्छा, वो असेंबली का बिल पेश करेंगे इंशाल्लाह। कोई हमारे इलाके के मसाइल जो हैं इनको देखेंगे, कुछ लोगों की भलाई के लिए पेश करेंगे इंशाल्लाह। 3 साल हम बड़े सराकी लोग जो है ना काफी बैकवर्ड है। किस मामले में? किस मामले में? हर लिहाज से आप देख लें, एजुकेशन में नहीं है हम आगे, ना हमें इतनी फैसिलिटीज़ हैं, ना रोज़गार के बारे में हमें रोज़गार नहीं मिलता। आप चले जाएं अपर पंजाब, उधर आप देखें सब लोग हमसे ज़्यादा खुशहाल हैं। कितनी आगे हैं गुलगारी में, सिंगिंग में? सिंगिंग में भी सिंगिंग में कितनी आगे हैं? ये बहुत अदाकारी में आगे हैं। अदाकारी में तो फिर लाहौर अदाकारी तो वहाँ से शुरू होती है ना, लेकिन सिंगिंग में ठीक है हमारे लोग, और शायरी में ठीक है हमारे लोग,
बेचारे थोड़े से डोसाइल हैं और थोड़ा सा शायनेस है हम लोगों में, इसलिए ज़रा थोड़ा पीछे रह जाते हैं। आप बड़ी देर से सियासत में आए? मैं पहले तो PIA में होता था, उधर से रिटायरमेंट हुई तो फिर इधर आ गया लोगों की डिमांड पे, लोगों की शदीद ख्वाहिश पे कि आप खुद सियासत में आ जाए। क्योंकि मेरी आदत है सबसे गपशप करना, किसी से बदतमीजी नहीं करनी किसी से। ये बड़ी अच्छी बात है। ये बात है। चलिए अब हम सिंगिंग पे भी आएंगे, गीत भी सुनेंगे और हम किचन पे लाजमी आएंगे। मुझे बताइएगा कि आप क्या सबसे अच्छा बना लेती हैं, कितना टाइम आपका ईद पे किचन में गुजरता है? बातें अच्छी बना लेती हैं। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। मैं एक दफा अब्बा जी ने कहा सब कुछ जानेंगे, हम सब कुछ जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट में भी हमारे साथ यही गेस्ट होंगे क्योंकि बातें बहुत सारी हैं, बहुत कुछ जानना है मैंने। और ऐसा होता है कि किसी भी इंसान से आप मिलें, किसी भी शख्सियत से मिलें, सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता है। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए।